हाय 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 चेहरा तेरा जब जब देख ओ हो हो लग नहीं रहा वैसे कि गाड़ी की माँ बहन है कोई चीज। अब नदीम नानी वाले की ऑफर है कि जी 5911 मुझे दे दो ठीक है, और ये GT e-tron तुम मुझसे ले लो, गाड़ी है हैदर की, हैदर फैसला करेगा। जिंदगी में दो दफा ऐसा हुआ है, दो खुशियां मुझे बड़ी बेहतरीन जिसमें मुझे नींद नहीं आई, एक जब मेरा निकाह था, अच्छा एक जो आप लोग आ रहे थे उस दिनों की। यार ये रह जी हकता वेख रहा है, ये होता है लव मैरिज की खुशी। ओ हो हेलो, पुलिस वाले ने फाड़ लिया थी क्यों? तू मेरी गल सुन, एयरपोर्ट छटन को नहीं आया, लैंड को नहीं आया? मैं मेरी गड्डी पंचर हो गई। ऐसे नहीं लग रहा शेर के बच्चे के साथ बिल्ली का बच्चा बैठाया हुआ है। पिद्दो कागज की गड्डी लग रही। यार मम्मा बस कर दो यार। चुप कर गंजे पापी। मम्मा कहाँ से गंजा, इतने बाल हो गए हैं, गंजा कहाँ से हूँ मैं? है तो कह रही हूँ आराम से बैठ जा, बुरा लग रहा है गंजे। आपको क्या ये एकदम से ख्याल आया, सोए हुए को उठा के आप चप्पी करना स्टार्ट कर दिया आपने? मैं तुम्हें वहाँ पे करबला में कैसे करती पागल, मुझे दे दे क्या था है? मेरा बच्चा गंजा आ रहा। ओ कहाँ से गंजा हो रहा हूँ मैं? देखो जी कितना गंजा हो रहा है, धाओ मनु बदो बदी गंजा, और अच्छे खासे बाल आ रहे मेरे मम्मा जी। यार इसलिए मैं ओली करी और आ रही है। नहीं आपको एकदम से क्या ख्याल आया, खुद भी सोए हुए उठे हैं, मुझे भी सोए हुए उठ उठ। मैं कहा हाँ जी भाई चंपी करनी तेरी, उठा के रख बैठा के और चंपी करना स्टार्ट कर दी। ये सही बताऊं, जो तू बड़े बड़े जहाज में बैठने के ख्वाब देखता है ना, तो मैंने कहा ये तू गंजा पापी बैठा सुना। मैं आपको एक बात बताऊं, जितने गंजे हैं उतनी महंगी गाड़ियां उनके पास, लेकिन मैं तो गंजा हो ही नहीं रहा बदोबदी। चलो छोड़ दो मैंने जाना मम्मा, बंदा नहीं बनता। मैंने क्या तेल तरक्की जाता 2 मिनट दस दे मम्मा, आपको पता जरूरी काम है, डोगर भी नहीं अभी तक आया, उसकी भी टिकट करवानी है, मैंने अपना 9811 लेके आना है, ऊपर से 9811 वाला फोन नहीं उठा रहा हमदा साहब। 8811 मम्मा आपके सामने ज्यादती है, ऐसी ज्यादती है, सिर्फ एक दिन 9811 घर रहा है, सिर्फ एक दिन, उसके बाद वो घर खड़ा ही नहीं हुआ। घर आए मैं उसको लेके इस्लामाबाद जाऊँ, जरा टीटो पार्टी लगाऊ, चलाऊ फिर जरा उसको, पता लगे पैसे खर्चे मैंने, जिस दिन से आया उस दिन से वर्कशॉप खड़ा है, जाती नहीं है। बस कर जा बस कर जा, जल्दी करो, आप टोटल 5 सेकंड आपके पास, टोटल 5 सेकंड। मेरी मर्जी। अच्छा जी आपने कल वाला व्लॉग देखा होगा, आज हम सो गए मैक्सिमम 2 से 2.5 घंटे सोया हूँ, अम्मा साहब ने उठा दिया चंपी करने के बहाने, आए चंपी करवा लेते हैं, शावर लेते हैं और बस निकलते हैं। चलो बस करो बस करो बस करो, कुछ खाएगा बैठा ना मम्मा, टाइम नहीं है मेरे पास यार मम्मा जी। कर गंजा पियो ही काफी, पुत्र ना गंजा होए, मेरा नाना भी गंजा सी मम्मा, तो मेरे पियो वाला नहीं आएगा गंजा। आए, अच्छा जी अब सीन क्या है, सीन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका मेरा हम सबके चहीते डोगर का पासपोर्ट मिल चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मम्मा जी मम्मा जी मम्मा को बता दें, काफी परेशान थी वो, सरकार आपको बता दूं कि डोगर का पासपोर्ट मिल चुका। अल्लाह पाक तेरा शुक्र मेरे मौला का सुना, बड़ी परेशानी। मैं सो के उठा हूँ तो मैसेज आया हुआ था पासपोर्ट मिल गया, लेकिन अगर पासपोर्ट नहीं भी मिलता तो हमने एक चिट होती है ना VIP चिट, वो यहाँ की गवर्नमेंट से साइन करवा के बना ली थी, जिससे वो फ्लाई करके अपने मुल्क वापस आ सकता था। हाँ अब क्या हो गया, पासपोर्ट के ऊपर थोड़ी फ्लाई करेगा, वीजा उसके पास है, पासपोर्ट उसे मिल गया, अब टिकट करवा रहा है, बट उसकी दस्ती दस्ती टिकट होगी, लेकिन लाहौर की टिकट नहीं हो रही, लाहौर की डायरेक्ट टिकट नहीं हो रही। कोई बात नहीं इस्लामाबाद का जी, कहीं अब उसको इस्लामाबाद की टिकट मिलेगी, ठीक है इस्लामाबाद से मैं उसको ऊपर करवा के दूंगा, लाहौर से मैं उसको खुद पिक कर दूंगा फिर आगे। शुक्र मां के कलेजे तो ठंड कड़ी पैनी पैनी, अपने कलेजे ठंड पै गई है, तेरा शुक्र है मेरे मोहल्ले, तेरा शुक्र है अपने मुल्क जावांगा, अपना मुल्क हजार नेमत है, करोड़ नेमत है, कसम ना इधर दुनिया से कोई चीज नहीं। मैं खुदा की कसम खा कहता हूँ, अगर इराक के अंदर मौला ना हो, मौला के रोजे ना हो, मौला की ज़ियारत ना हो, मौला के अंबिया कराम ना हो, तो इराक जैसा खुश्क मुल्क मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, और वहां पर कोई जाए ही ना, जन्म बात है। खुश्क तो जो है वो है, वहाँ के लोग वहाँ के सारा कुछ अजीब है। मैं कहती मौला करोड़ करोड़ शुक्र हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद, इसकी जैसी चीज ही कोई नहीं कहीं भी कसम से। ऐसा है कि डोगर इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि आज रात लेट नाइट आ जाए, मैं उसको आज के व्लॉग के अंदर ही रिसीव कर लूं, अगर ना हुआ ऐसा तो कल के व्लॉग में तो आ ही जाएगा, ठीक है। मैंने गाड़ी लेने जाना, मेरे कपड़े निकाल दो, एक दो नीचे से मैं जहाज देखा कि जहाज इसने साफ किया या नहीं किया, और यार समझा करो ना यार, समझा करो
14 दिन पैदल टूरा हूँ, होए 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 होए, लग समझ गई है। ये सफर मौला सबके नसीबों में करे, ये पैदल सफर मौला सबके नसीबों में करे, ये इश्क का सफर है, इसका नहीं। वहाँ पे जो लोग है ना, कोऑपरेटिव नहीं है, रजबरी मुझे उनसे मजा नहीं आया मिलकर। जब मैं आपको बात हूँ, जब आपके पास कोई नेमत होती है ना, तो आपका झुक जाना बनता है, आपका पोलाइट हो जाना बनता है, आपका आजीज हो जाना बनता है, ताकि आपको अल्लाह की जात और नवाजे। और जहां पर इराक के अंदर इतनी इतनी कमाल की हस्ती मौला की, वहां पर यार जदी है, मौला ने वहां पर कयाम किया था, मौला वहां पर आए थे, मौला का वहां पर रोजा मुबारक है। आप लोगों का तो झुक जाना बनता है, वक्त के इमाम वहां पर है कि नहीं? आप लोगों का तो, आपके जो जायर आए, जो आपके मेहमान आए, जैसे हम आपके मेहमान थे, आप लोगों का तो पोलाइट रहना बनता है, लेकिन वो लोग ना से काटने को दौड़ते हैं, ऊपर से गवर्नमेंट, फिर इधर के लोग, महंगाई, हर चीज बहुत बहुत गंदा पड़ जाता है। लोग केयर नहीं करते। मैं कहती ईरान वाले लोग जाओ, इतना कसम से मेहमान नवाज। हाँ, ईरान वाले फिर बेहतर है, लेकिन इराकी बहुत खुश्क है, बहुत खुश्क। इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, इनको जैसे मौला ने नवाजा इतने थे, अंबिया इकराम, औलिया इकराम। अच्छा, कोई शेक वगैरह कुछ बना दो, मैंने नाश्ता नहीं करना, ना कुछ खाना भी, मैंने बस निकलना है। पहले गाड़ी देखा है इसने साफ किया कि नहीं, क्योंकि आपने सुबह देखा था कि जहाज भी अपना गंदा हुआ था। चल वहीद भाई, भाई गाड़ी नहीं वॉश की? नहीं भाई, वो पाइप मुंडे लाए गए मुंडे पाइप भी कोई मंगने वाली शायद की धोना सी कमरा वगैरह डिपार्ट नहीं अपार्ट अपार्टमेंट मेरी बात सुनी यार, ये तो गंदा ही है यार, मुझे लगा तूने वॉश कर दिया होगा। मैंने ट्रैवल करना था, मैंने निकलना है, बस थोड़ा टाइम और लग जाएगा। तू रहने दे, ना तेरी उर्दू निकल आती है, थोड़ा टाइम और लग जाएगा, मैं बाहर से वॉश करवा लूंगा। अब चाबी ले गया, और मेरी बात सुन, हल्का सा कपड़ा तो मार दे यार, देख कितना गंदा यार, सोया हुआ था बेटा। मैं तो देना, सीधी तरह क्या सुता नहीं, 10 मिनट लगने में तो देना। नहीं तो ना, तू हल्का सा कपड़ा मार दे, मैं बाहर वॉश करवा लूंगा, मैं शावर ले लेता हूँ फिर निकलता हूँ, ठीक है? चाबी लेके ना हल्का सा वॉश कर दे। हरी अब मामा जी कपड़े प्रेस कर दो। शावर ले लिया, कपड़े चेंज कर लिए, मम्मा जी मैं निकल रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ अब? हाँ, इमाम जामन बहुत जरूरी है, लाहौर आ गया हूँ मैं, इमाम जामन बहुत जरूरी है। ख्याल करे, लाहौर तेरा अपना मुल्क शहर है, अल्लाह सलामती दे। ये माओ के दिल का सुकून होता कि परवरदिगार हमने अपने बच्चों को आपके सुपुर्द कर दिया, और आप जानो आपका काम जाने, मौला अपनी जमान में रखे सारे बच्चों को, तुम्हें भी आमीन। अच्छा जी, हैदर को भी बांधा हुआ है, खुद भी बांध लिया है, निकल रहा हूँ। मम्मा जी मेरी बात सुनो यार, बड़ा अरसा हो गया है, हर बार व्लॉग जाना गाड़ी में स्टार्ट होता है, ठीक है? अब आज लाहौर के अंदर व्लॉग स्टार्ट हो रहा, तो आप हमें मिलकर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आज जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी, मेरे भाई मेरी बहने मेरे अंकल मेरे आंटियां मेरे भांजे मेरे भतीजे सब खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, आपके रजब को अपनी रजब फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अजीज है। यार ऐसा है कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, भाई 3 मिलियन मीटर, भाई 3 मिलियन मीटर, भाई 3 मिलियन मीटर, भाई 3 मिलियन का मीटअप संभालना भी एक काम है, उसको ऑर्गेनाइज करना एक काम है, फिर उसके बाद जो धमकियां आ रही हैं वो सारा कुछ देखते हुए मीटअप करना बड़ी बेवकूफी वाली बात है, लेकिन हम फिर भी ये बेवकूफी करेंगे, ठीक है? मीटअप इंशाल्लाह अभी करेंगे, बस उसके इंतजाम चल रहे हैं, उसकी एनओसी लेनी है, जैसे ही हर चीज क्लियर हो जाएगी मैं अनाउंस कर दूंगा विद इन 10 to 15 days, फिक्र नहीं करनी आपने। अभी के लिए फिलहाल बात ऐसे है कि अपने 3 मिलियन के ऊपर ब्रेक नहीं लगानी, 5 मिलियन अपना लकी नंबर है, ठीक है? 10 मिलियन में हमने डायमंड बटन लेना है यूट्यूब से, समझ रहे हो? तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे? चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के बटन को प्रेस करो, ताकि एज सून एज पॉसिबल हम 5 मिलियन हिट कर सके, ठीक है? मजी अल्लाह हाफिज। ओके भाई साहब, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखे अपना, टेक केयर। ओके हैं, ठीक है फिर, ओके हैं, सलाम ना रखे दे लो, पापा को जो दिल करता है बना के दो, खिलाओ पिलाओ, खुद भी खाओ पियो, दाल चावल बनाने लगे, हाय 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 हाय, रात को आऊंगा मैं भी खाऊंगा आके, ठीक है? ओके अल्लाह हाफिज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। अच्छा जी, निकल चुके हैं घर से, हमने सलमान को ड्रॉप करना है, ठोकर माय फेवरेट ठोकर, मैं भी 15 दिन के बाद जाऊंगा आज ठोकर, वहां से जाके हैदर को पिक करेंगे, जहांगीर बट ऑलरेडी वहां पर आ चुका हुआ है। और आपको ये भी बता दूं, आपको लेटेस्ट न्यूज से अपडेट कर दूं कि फ्लाइट हो गई है डोगर साहब की, रात को 1:30 बजे डोगर साहब इस्लामाबाद उतरेंगे, क्योंकि लाहौर डायरेक्ट की फ्लाइट नहीं मिली। अब देखना है क्या करते हैं, कि उसको वहां से ऊपर करवा के बुलाना है या वहां से फिर फ्लाइट करवानी है, कुछ ना कुछ करते हैं। फिलहाल पहुंचते हैं ठोकर, ठोकर पहुंच के आपको मिलती है।
हाय 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 15 दिन हो गए थे ये वाली बुटीक भी नहीं पड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई है मेरे से क्या आपसे? अबे मैं तो 15 दिन बाद आया हूँ। अच्छा हाई ऑक्टेन से फुल कर दूँ? हाँ ये लो जी। यार अजय भाई आपकी मेहरबानी, छुट्टी ना किया करें। जिस दिन आपका व्लॉग नहीं ना आया इतने मैसेजेस इतनी कॉल दी बन कि मेरे घर पे लोग आ रहे हैं। मम्मा को पसंद, मैं घर पे भी नहीं था। चपुर्जी मैं चपुर्जी क्या हुआ था, उधर भी लोग आए, फिर मैं मुझे मजबूरन वहां से दोबारा इधर वापस आना पड़ा। लोगों ने इतना तंग किया भाई व्लॉग क्यों नहीं है, अभी तक मैसेजेस आ रहे हैं मुझे। तू एडिटिंग करता ना इसलिए। मैं एडिटिंग करता हूँ, इस वजह से हर बंदे ने मेरे से पूछा कि यार व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। मुझे लग रहा था मार देंगे ये जिस तरह के मैसेज से। बेटा डोगर को मैसेज आए, डोगर साहब आज व्लॉग ना आया, तुहाडे कार ग्रेनेड मारना, व्लॉग सुटो तुहाडी मेहरबानी। प्यार है यार वाम का, लव यू। ओए चल भाई भाग जा, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। चलो दरवाजा खोलो शाह जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी तेरे को पिक कर लेते हैं, निकलते हैं। चोरों की तरह नहीं आ रहा, पागला चोरा नहीं आ रहा। मैं इसके घर वालों ने कहना सवेरे मुंडा छड्या शाम को फिर लैन आ गया है कि नहीं? चार घंटे बाद फिर आ गया। चार नहीं यार, पांच छह घंटे बाद आया हूँ। सुबह 8 बजे छोड़ा था, टाइम देख क्या हो गया, 5 बज रहे हैं, बथेरा टाइम है। और सुनो यार ये 12-15 दिन मेरे साथ रह के यार रिस्पेक्ट ही भूल गया, उठ के मिल भी नहीं रहा। वो देख लत पे लानी, हूं रहन दे। ठीक ठाक, मेरी बात सुनो, एक गुड न्यूज है। क्या? तुम्हारी गाड़ी रेडी हो गई है। डाला 9-11 रेडी हो गया। भाई जान कहता परसों दूंगा। क्यों? मैं कहा परसों नहीं दूंगा, 14 दिन हो गए गाड़ी तेरे पास, आज गाड़ी चाहिए मुझे। ठीक है, उसने फिर दवा दू 4-5 घंटे लगा के गाड़ी सिर्फ फ्रेश करवाई है, बगैर सारे काम हुए थे। ठीक है, तो मेरा ख्याल है चले गाड़ी पिक कर रहे हैं। चलिए चलिए भाई जान, एक और बात, पासपोर्ट मिल गया आपके दोस्त का? शुक्र है, उसकी टिकट भी हो गई है, 9:00 की टिकट है। मेरा ख्याल है कोई पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंगली 2:30 वो इस्लामाबाद पहुंचेगा। इसको मैंने कह दिया फोन करके, उबर करवा के रखे, अभी उबर की ना बुकिंग करवा दे, इन ड्राइवर की या उबर की बुकिंग करवा दे। जैसे ही वो इस्लामाबाद लैंड हो, गाड़ी बाहर खड़ी हो, सीधा उसको ठोकर ले। ठीक है, या तो 4 घंटे बाद आ जाएगा। उसको ठीक है, मुझे भूख भी लगी हुई है, आज पहले गाड़ी पिक करते हैं। ठीक है, उसके बाद करते हैं निजाम। आज बिस्मिल्लाह करो। अरे चलो, हेलो इधर सरकार, चाबी फोड़ो, पहुंचो अपनी सीट से, बिस्मिल्लाह। यार भट्ट साहब क्या बताऊँ आपको, मैं शदीद ही बोर हूँ आप लोगों के बगैर। अच्छा, पहले तो 2 दिन बड़े सुकून से गुजरे। अच्छा, उसके बाद ना अच्छा कल सोना जी, पहले 2 दिन बड़े सुकून से गुजरे, तेरे के तेरी बेगम के हैं सबके, कि मेरा बंदा है। उसके बाद हैं, उसके बाद जो मेरे साथ हुई ना एयरपोर्ट पे, अच्छा जब आप लोग को छोड़ने के लिए नहीं गया, तब तो बड़ा इजी सीन रहा। लेकिन जैसे ही आप लोग अंदर नहीं बढ़े हो, वे चालक से मुझे रोना ना आ गया। मैं कहा बाहर पैड गाड़ी में मैंने बहुत बिस्ती हो जानी सजे कभी बड़े कैमरे खुले हुए थे, मैं फौरन गाड़ी के अंदर। अच्छा, फिर मैं रास्ते में जाता था, फुल रोता छोता गया मैं। नहीं वैसे भाभी तो फुल सेटिस्फाइड हो गई होंगी, 15 दिन मेरा बंदा घर ही रहा है, रात के 1 बजे क्या 1:30 बजे क्या रहता ही घर था, या ऑफिस या घर है कि नहीं। कराची भी चला गया था मैं 4-5 दिनों के लिए भाई। फिर भी यार, तो तू फौजी में गया था ना यार? लेकिन नहीं, वो तो फौजी में गया था, लेकिन हमने तो तंग नहीं ना किया। नहीं नहीं भाई, आप लोग पहले भी तंग नहीं किया। आए आए, तो तू गल छोड़ दे, भाभी राजी हुई है कि नहीं ये बता। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने सुबह अपने व्लॉग में अम्मा को बता दिया, मैं कहा जी अब अगर आपने कहा ना टाइम नहीं दिंदा 14 दिन मैं तेरे कोल रहा हूं, फिर बताऊंगा। उसके बाद मुझे जोन सा है, 2 मैसेज तो खैर काफी लोगों के आ रहे हैं। एक बंदे का मुझे मैसेज आ गया, जहांगीर भाई मैंने ना ख्वाब देखा है। मैंने कहा जी क्या ख्वाब देखा आपने? वो जी वो मैंने देखा है जैसे रजब भाई को, जैसे सिद्धू मूसेवाले को गोली मारी, दूसरा रजब गोली मारी। मैं कहा मार भी खेल यार, वो कह रहा है जिसने आना एक नहीं मारना, उन्हें 3 मारने ने आके। 3 क्यों मार रहे ने? 4 मारेगा फिर चौथा नहीं है नहीं, जिन्हों ख्वाब आंदे ने। उसकी तो शादी हुई है यार, मेरा भी निकाह होया यार, लेकिन लेकिन हाँ उसकी बेटी है। एहतियात करनी, एहतियात सारे के सारे करें यार, क्या एहतियात करें बता। लोहे की चादर पा ली की करिए, अपने नाल अपना वेपन है, किसी नूं छेड़ी दा नहीं, शीशे काले ने याद। अच्छा मैं अपने बच्चों को भी, जितने मेरे छोटे भाई मुझे देख रहे हैं, जितनी मेरी एज के मुझे देख रहे हैं, एक बात बताता हूँ, आपका सबसे खतरनाक दुश्मन पता कौन है? आपका सबसे खतरनाक दुश्मन वो है जिसका आपको पता नहीं है कि वो आपका दुश्मन है। जब कोई बंदा अल ऐलान कर देगा ना, हाँ भाई रजब तेरे ना मेरी दुश्मनी हूँ, तो मैं तेन मारना ही,
आपको पता होगा हाँ भाई ये फलाना बंदा मेरा दुश्मन है, मैंने इससे बच के गुजर रहा। जब आपको पता नहीं है ना कि यार ये बंदा अपने दिल के अंदर मेरे लिए बुगज रखे बैठा हुआ, मेरे लिए हसद रखे बैठा हुआ है या मेरे लिए दुश्मनी पाल के बैठा हुआ है, वो आपका सबसे खतरनाक दुश्मन है। चाहे वो आपका दोस्त भी हो सकता है, चाहे वो आपका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, चाहे वो आपका फिर दुश्मन ही हो सकता है। ठीक है, बाकी अल्लाह मालिक है यार, कोई मसले वाली बात नहीं है। मुझे पता ही नहीं है मुझे क्यों ये थ्रेड आ रहे हैं, मुझे क्यों ये लेटर आ रहे हैं, आई डोंट नो। या तो मेरे तक डायरेक्ट कोई बात आए ना कि यार ये मसला है तेरे से, मैं वो मसला सॉर्ट आउट कर लूं, है कि नहीं? बेशक, टेंशन ना ले आकर, टेंशन ना ले आकर, सावधानी ही सावधानी है, अल्लाह खैर करेगा। मैं एक ही बात करता हूँ, जो रात के बार में है वो कब्र के बाहर नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है ना, इजी होकर चिल कर, एंजॉय कर। लेकिन फिर बाकी भाभी राजी है ना? हाँ जी, आए तो बड़ा खुश हूँ भाई इस बार मेरी। अच्छा मैं अभी घर पहुंचा ही हूँ। अच्छा, मैंने खोला ही टिटो साथ ही वो वीडियोस फॉर यू पे चल रही है, ऐसी मेरी पूरी देसी बाती आ गए वापस। अच्छा जी पहुंचते हैं शोरूम, शोरूम वाले का फोन आ गया, गाड़ी रेडी है, सिर्फ आपका वेट हो रहा है, फिर पहुंच के आपको मिलते हैं। आपको 9:11 का आज दीदार कराते हैं। मुझे पता है मेरे साथ साथ आप लोग बहुत मिस कर रहे हैं, सिर्फ एक दिन तो वो घर रहा है यार, उसके बाद वो घर रहा ही नहीं, आज 17-18 दिन के बाद वो घर आएगा। जिंदगी में दो दफा ऐसा हुआ है, दो खुशियां मुझे बड़ी बेहतरीन, मुझे नींद नहीं आई, एक जब मेरा निकाह था। अच्छा, एक जो आप लोग आ रहे थे उस दिनों की। यार वेख रहा है जी, हकता वेख रहा है, ये होता है लव मैरिज की खुशी, ये होती है लव मैरिज की खुशी। मैंने अपनी शादी कम से कम 4-5 साल आगे करवाई है। ठीक है, जब मम्मा कहते ना रिश्ता देखने लगी हूँ, अगे कर दो कोई ना कोई बहाना लगा के। ठीक है, एनू वे कितनी खुशी निकाल दी है, मैं पूरी राजी सर जी मेरा निकाल था। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे जी। चलो अस्सलाम वालेकुम, बाल की दुकान क्या हाल है यार? तुम कटवाते क्यों नहीं हो? लोगों को पसंद है यार, अपना आप देखा करो, लेडीज को पसंद है यार। बस ना डर्टी टॉक किया कर यार, कैसा है मेरी जान का बेटा, चेक कर, सोफिस्टिकेटेड मैन, पढ़ा लिखा बंदा, अपने बाल भी बेटा, जिसको रजब ने मुंह लगा लिया ना, समझ सबने लगा लिया, समझ लगी है ना? रजब की गाड़ी 15 दिन उसके पास रही है, समझ लगी है? मैं बताऊं तू बालों के अंदर क्या छुपाता? मेरा बड़ा प्यारा भाई बासिम भाई, क्या हाल है? और मेरी गाड़ी की तरह गाड़ी दे मेरी यार, बहुत मिस कर रहा हूं। गाड़ी ने बहुत तंग किया, क्या हुआ भाई? इतनी वहां ऊपर से दो जगह मैं लेके निकला हूँ, पुलिस वाले ने फाड़ लिया। पुलिस वालों ने पकड़ लिया? पैसे दिए गाड़ी के? काले शीशे और क्या नाम? अच्छा, फिर नंबर प्लेट का क्या? तो परमिट दिखा देना था, परमिट है मेरे पास भाई, लेकिन घर पड़ा हुआ। परमिट मेरे पास तो नहीं था ना। फिर वो छोड़ना किस शर्त पे है? वीडियो कॉल करो ना जब पार्टी। अच्छा, पुलिस वाले छोड़ेंगे तब वीडियो कॉल करो? गलत डिमांड करते हैं फोन ही नहीं चुकते भाई, बड़े आदमी नहीं, वहां पर नहीं सिग्नल आते, वीपीएन मैं डाउनलोड नहीं करता। ठीक है, वीपीएन डाउनलोड नहीं करता और कॉल का जरा मसला होता है इसलिए। अच्छा, फिर दो दफा ये हुआ है पुलिस का मसला, उसके अलावा आवाम इतनी आती है, आपकी सोच है सेल्फियां ले लो, नंबर दे दो। अच्छा, आपकी बड़ी डिमांड है नंबर की, हैदर भाई की बॉटल, हैदर की तो लड़कियों में डिमांड है ना, मेरी डिमांड लड़कों में है, पुलिस वाले से इसकी डिमांड लड़कियों में है। मैं बासिम का नंबर दे दिया उधर, ओए लड़कियों को भी नहीं, लड़कियों का नंबर तूने है था कर दिया। कहता पहले मेरा फोन बनाओ लड़कियों से, चेक करो जरा उसका नंबर, लीक ऑलरेडी नंबर लीक है उसका यार। अच्छा फिर यार गाड़ी दिखा यार, तू क्या करी जा रहा है यार? बस एक तो अपने फैनों को समझो, गाड़ी के साथ सत्यानाथ वो प्राडो भी यार, उस पे भी एक दरवाजे पे लकीर मारी हुई थी किसी ने। अच्छा हाँ, अब बात मजाक से हटके कर लेते हैं, मुझे बताओ गाड़ी का काम क्या क्या था? क्योंकि मुझे सिर्फ एक कॉल आई थी मेरे गार्ड की कि यार भाई मसला हो गया, मनु माफ कर दो, मैं सिर्फ 2 घंटे सुता था और पीछे से गाड़ी का ये काम हो गया। मैंने गाड़ी देखी नहीं थी, ये आगे गाड़ी ले गया था, वीजा हमारे आ गए थे, उसके फौरन बाद हमारी फ्लाइट थी, तो मुझे गाड़ी देखने का टाइम ही नहीं मिला। क्या क्या प्रॉब्लम थी गाड़ी में? मैंने रात को पिक की है गाड़ी, उस टाइम जो मुझे मतलब मैंने बाद में जब चेक किया गाड़ी का साइड मिरर का कवर तोड़ा हुआ किसी ने, बोनट पे निशान मारे हुए, एक टायर अपना बोनट पे निशान, पेंट किया, पेंट किया, क्या किया? नहीं वो कंपाउंड से क्लियर हो गया, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ये है कि टायर भी एक फाड़ा, सुआ किसी ने जेन्युइन मारा, पंचर हो गया कि पाड़ी था, चेन नया की डाला है, टायर नया डाला, मैं नहीं पैसे देने उन नवे टायर दे, मैं दस रहा हूं अगे बड़े पैसे लग गए ने, मैं कसूर है तुम्हारे फैन ने, गाड़ी अंदर करो। वो मेरे फैन नहीं है की गल है। अच्छा मेरी बात सुन, सॉरी भाई, भाई मेरी बात, भाई मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, तू गाड़ी लगाएगा कहां पर? जितनी बड़ी को गाड़ी है कहां, तू कह रहा अंदर करो, यहाँ पर तेरे शोरूम में नहीं वो लगनी, अंदर खड़ी है यार। मेरी बात सुन यार, ये टायर फट गया, कितने सुबह लगे थे? वो 2 यार, तो ज्यादा। अच्छा तू कह रहा अपने फैन को समझाओ, मेरे फैन नहीं गए हो, और भाई वो एंटी रजब फैमिली है, जो और कुछ नहीं कर सकती वो फिर ये करती है।
लेकिन बॉस भी इतनी मेहनत करता है बंदा गाड़ी के ऊपर और वो सारा क्या करें अब यार, कुछ नहीं तो खैर है हो गया। प्राडो के भी दो दरवाजे चेंज हुए थे, प्राडो के पीपीएस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की गाड़ियों के ऊपर पीपीएस हुए थे, तो जो बोनट के ऊपर निशान थे वो भी पीपीएस वैसे बच गए, और प्राडो के भी दरवाजों के ऊपर निशान थे वो भी पीपीएस वैसे बच गए, अदरवाइज अच्छा खासा नुकसान होता अगर गाड़ी पेंट हो जाती तो। टायर नहीं डलवाया अब मिलता क्या लोगों को, मुझे यही नहीं समझ आता। सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हम अपनी तरफ से नुकसान करके आ गए, जबकि ये चीज का नहीं पता कि आप किसी का एक रुपये का नुकसान करते हो, अल्लाह की ज़ात उसको 10 रुपये और देती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ जी, जब आपके नुकसान हो गए ना आपसे बर्दाश्त नहीं होगी, ये भी करता होगा मुझे लगता है। मनु तैसे तो शक के वाल रगड़ता मेरी गड्डी से आके, इधर वेट कर यार, भाई पैसे लेनी यार, टायर नवा, अच्छा चार के चार नए डलवाएंगे, डलवाया मिल गया था, सेम कंपनी मिल गई थी, चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब ओके है, रेडी है। अभी तो मुझे ये क्यों कह रहे थे दो दिन बाद गाड़ी दूंगा, आ गए 14 दिन तुम्हें मैंने गाड़ी दी किया, मजा भी तो आता है यार, तू ऐसे चला दे यार, ऑर्डर लगा गड्डी बहा दे सरकार, ताकि मेहरबानी। अच्छा भाई जान, इतनी रीजन से गाड़ी मंगवाई और सिर्फ एक दिन मेरे घर के बाहर रही है गाड़ी, सिर्फ एक दिन, आज 15 दिन के बाद गाड़ी मैं खुद लेने आया हूँ, खड़ी नहीं होने देती क्या करें यार, चल कोई बात नहीं, चला गया, मैंने तो चलाई है, मजा आया, मजा आया, शशका बुरा है सही व्यू है, चेहरा तेरा जब जब देख, ओहो लाइट्स ऑन हो गई हैं, मजीद प्यारी लग रही है, सॉरी गाना बीच में रह गया, चेहरा तेरा जब जब देखूं नफरत आए मुझको, तुझे देखूं तो प्यार आए, माशाल्लाह माशाल्लाह, लग नहीं रहा वैसे कि गाड़ी की माँ बहन एक हुई थी, माशाल्लाह माशाल्लाह, टायर कौन सा था ब्रो, कौन सा टायर था ये, नया डलवाया, इसका तो कवर मिलता भी नहीं यहाँ से, नहीं 3D प्रिंट करवाया यार, और यहाँ पर बोनट का क्या सीन था, सेट कर दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा शुक्र है कि पीपीएफ हुआ है, अगर पीपीएफ ना होता तो शायद पेंट कराना पड़ता ना भाई, आपको जरूरत है हर गाड़ी को कराओ पीपीएफ, खुद को भी कर, मुझे यार यार अभी अभी रास्ते में यही बात कर रहा था, और मैंने अभी खुदा की कसम यही कहा, मैं उनकी करिए लो जी चादर पा लीजिए, वो कहता जिन्हें मारना ना तीन मार रहे ने कला नहीं मारना, अच्छा ऐसा है कि एक बार स्टार्ट करो, मैं तो आवाज सुनने को तरस गया यार, 9:11 की स्टार्ट करना है, चाबी करना स्टार्ट जान, हाय 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 शेर दा पुत्तर, बिस्मिल्लाह, हाय हाय हाय, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त बेहतरीन बेहतरीन माशाल्लाह, ओके हो गया, कोई काम रह तो नहीं गया, ऑल ओके, कोई काम रह तो नहीं गया, ऑयल शॉयल चेंज करवा दिया हुआ है, डन है, अब अगर इसको मैं लेके निकलूं माउंटेन्स में कोई रोक टोक तो नहीं है मुझे, जा सकता हूँ, चलो माउंटेन्स में यार, अगर मैं जाऊँ तो ब्रो, अगर 14 दिन तू कार रहे हैं, 14 दिन मैं तो जा सकता है, बेटा तू हमजा भाई से भी छोटा है, तू हमजा भाई से भी छोटा है, एक मिनट आवाज बंद कर दो, उसके बाद बंद कर दो, आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहा तू, अपनी गड्डी का ध्यान भी रखा करो सरकार, टायर पड़वाता जी, अच्छा जो पैसे बनते हैं ना इससे ले ले, इसकी गाड़ी है इससे ले ले, नहीं लावे छा गाड़ी यार है, तुम्हें पता नहीं हमला से, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लो जी गाड़ी ऐसे हो गई अपनी, लेकिन निकलते हैं भाई, भूख बड़ी शदीद लगी है भाई, पैसे मुझे कौन पसंद कर दे, मुझे ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है ट्रांसफर कर देते हैं, ओके हो गया, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अरे शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, गाड़ी वाला काम हो गया यार, एक ट्राई और करूं, शायद इंटरनेट ऑन हो गया, एक ट्राई और करते हैं यार, डोकर से बात ही नहीं हो रही यार, इतना ही गुस्सा करके बैठ गया, इंटरनेट ही ऑफ किया हुआ है,
अभी भी ऑफ है। ये ना अगली फ्लाइट भी छोड़ दे। हाँ? ये ना अगली फ्लाइट भी। भाई कोई अच्छी बात कर मुंह से, क्या होगा तुझे? ये लो। ओहो, हेलो। ओ यार तू नेट क्यों नहीं ऑन करता, इंसान के पजामे है यार तू। की पुलिस वाले ने फड़ लिया सी? क्यों क्यों? तेनू मैं कल बकवास नहीं की, एयरपोर्ट तो बाहर नहीं निकलना तू। इंसान के बच्चे का काम करेगा, टिकट तेन आ गई है, पासपोर्ट तेन आ गया, वीजा तेरे को। किन्नी देर फ्लाइट है? 6:30 हो गए। मैं किन्ने बजे फ्लाइट है? 9 बजे तेरी फ्लाइट होगी। तू इस्लामाबाद लैंड होगा, अगे गड्डी खड़ी होगी, तेन ठोकर ला देगी, अगे अभी खड़े होवे। ठीक है, हूं बाहर ना निकली ते अपनी मेरी गल सुन ला, बोर्डिंग शोर्डिंग टाइम ना करवा ली, कोई लापरवाही का मुजहरा ना करी हूं। ठीक है, की होया? की सीन हो गए? खैर आया, खैर ना आया। ओके आया, खैर ना। ओके ओके, कहना मतलब पुलिस वाले ने फड़ लिया मेरे को ना पासपोर्ट ना वीजा, मैं टैक्सी करा के बाहर चला था करबला। बाहर क्यों जा रहा था? पागल है ना, मना किया भाई। कल मैंने इसको 1.5 मिनट का मैसेज किया कि डोगर कोई भी वाहियाती ना करी, कोई लापरवाही ना करी, अपना मुल्क नहीं है जहाँ पर तुझे आके बचा लूंगा। ठीक है भाई, वहां पर आपके पास पासपोर्ट ना हो आप निकल जाओ ना, कोई चेकिंग आपका कर ले, कोई भी चेक पोस्ट पे रोक ले, आप चेकिंग कर ले। 6 महीने अंदर करते, 6 महीने के लिए अंदर यहाँ से मैं जाऊंगा, कोई और वाली बार जाएगा फिर छुड़वा के लाएगा, फिर निकल गया। समझा नहीं सकते, किसी को समझा नहीं सकते। अरबी आपको आती नहीं, इंग्लिश में वैसे टाइट है, उर्दू को समझ नहीं आती। और नहीं वो बड़े पैड़े, बहुत पैड़े, इशारों से समझा लेंगे। खैर शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हां जी दसो की हाल है? ले ले ऐसे आकड़ा मुक्ति मुकाती बात यह है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह घंटे या 1.5 घंटे के अंदर अंदर उसकी फ्लाइट है, बोर्डिंग शोर्डिंग करवा ले, अल्लाह करे अब इसको हर चीज की समझ आ जाए, फिर ना फ्लाइट मिस कर दे। जैसे ही ये लाहौर आएगा हम खुद मिल देंगे इसको। निकलिए यार, चलो बड़ी लगी है। चलिए भाई, भाई थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया है भाई। खाना खाना मैंने जरा दोस्त वेट कर जाना जरा प्लीज, थैंक यू, लव यू। अब बस किया कर, तू खुद खा लिया कर, मेरे से कहा खुद खा लिया कर। ठीक है फिर, इसको ग्लूकोज की ड्रिप लगवा रहा हूँ। तू मेरी बात सुन पहले ना, ये अपने बाल ठीक करवा, वरना मैं बता दूंगा कि तू बालों में क्या छुपाता है। तालो बता दूं? तालो। अच्छा जी मैं आपको बताता हूँ कि ये बड़ा अच्छा बच्चा होगा, हुआ करता था, हुआ करता था आज। अच्छा बच्चा की लड़ाई चलो जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आवाज सुन के दिल को ना सुकून आता है। अब देखिए बैठो, बाकी सारा कुछ ठीक हो गया, तबीयत ऑल गुड हो गई है, बस गला ठीक नहीं हो रहा। अच्छा जी अब बट आ रहा है पीछे पराठों में और डाले पे मैं और हैदर, हमें लगी है शदीद किस्म की भूख। सुबह का नाश्ता किया हुआ जो कि जवाद भाई ने करवाया था कल वाले व्लॉग में, आपने देखा था वही नाश्ता किया हुआ। चलते हैं कुछ खाते हैं उसके बाद जाएंगे घर। चलो शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, रोटी नसीब हुई, खाना ऑर्डर कर दिया। यार हम अभी एक रेस्टोरेंट आके बैठे हैं, यहाँ पर हमें एक बहुत ही प्यारी शख्सियत, बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारी शख्सियत ने ज्वाइन किया है, जो कि बड़ा बेवफा इंसान है। ना हमें एयरपोर्ट ड्रॉप करने आया, ना हमें एयरपोर्ट से पिक करने आया। हाँ अपने दोस्त डोगर को डेली बेस पे फोन करता रहा रात को, हाँ जी की शुगल है, की शुगल है, की शुगल है, विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको उससे मिलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आजकल बड़ी जिम्मे कर रहे हो तुम, खैर हैं? ये बताओ क्या लेकर मेरे लिए? तुम्हारे लिए सबके लिए गिफ्ट आया है भाईजान, तुम्हारे लिए आया है, तुम्हारी भाभी के लिए आया है, इसके लिए आया है, जो लोग मेरे साथ है ना उनके लिए नहीं आया। तू की कर रहे हैं यार, यार तू की कर रहे हैं, तू पागल पुगल तो नहीं गया यार? वदीन तनु अच्छी जगह ले गया है, रोटी खवाना से तू चवला मारना, मैं बोंगियां मार रहा है। डोगर नहीं आया, डोगर रह गया, डोगर का पासपोर्ट वहां पर गुम गया। ठीक है, वो एयरपोर्ट वालों से पासपोर्ट गुम गया, उसकी फ्लाइट मिस हो गई, आज रात की फ्लाइट है उसकी। कोई कोई उन्हें उठ ही रहा भाजी, छोड़ छोड़ दियो कि उत्तर मैं तेनु फोन मार के तेरा मुंह तोड़ देगा। मेरे प्राण कुछ क्या थे,
पूछता रहा उसको रेगुलर बेस पे, बहुत बड़ा झूठ है, सिर्फ डोकर को फोन करता रहा, इसकी दोस्ती इतनी है डोकर के साथ, रात को उसको फोन करता रहा, हमें उसने एक फोन भी नहीं किया। तू मेरी गर्लफ्रेंड एयरपोर्ट रिटर्न करनी है, लैंड करनी है, मैं मेरी गड्डी पंचर हो गई, एक ऑडी ईट्रॉन है, एक BMW i8 है, एक सिविक है और टायर पंचर हो गया था। शर्म कर, कोई हया कर, यकीन कर सके शादी हो नहीं गई अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है पता नहीं यार मुझे नहीं पता इसकी शादी हुई यार मैं पर्सनल मैटर से निपटा नहीं चाहता नेक्स्ट ईयर शादी है भाई की तो भाई जो है वो जिम शुरू कर रहे अगले साल बरसात अगले दिन शादी है अच्छा पता नहीं किन्ने किन्ने पहली है माशाल्लाह तुझे बहुत मुबारक हो बहुत मुबारक हो पहले मुझे ये बता के लड़का करता क्या है ताकि मैं देखूं तेरे लिए सही भी है या नहीं अच्छा बैठ बैठ अच्छा यार खाना ऑर्डर कर दिया खाना शाना खाते हैं दीप का शुक्र लगाते हैं बड़ा प्यारा भाई है मेरा 15 दिन बाद मिल रहा खाना आले खाना खा के भी मिलते हैं हाय 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 अच्छा जी आजकल ये एक मम्मी डैडी रेस्टोरेंट का स्टार्टर आपके भाई का फेवरेट बना हुआ है ये विंग्स है और बहुत ही मजे का है यार ये अंदर की है भाई विंग्स के अंदर क्या होगा कैसा तेरा बेहुदा सवाल है यार अंदर अंदर कुछ भी हो सकता है भाई इसके अंदर चिकन है इसके अंदर वो इसके अंदर बम निकल आना इसके अंदर चिकन है इसके अंदर बॉइल्ड जो है वो सब्जियां हैं वेजिटेबल्स होगी ना फिर यार अच्छा यार रदीम ओके 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 चिकन है अच्छा ओके सॉरी सॉरी बिस्मिल्लाह लोगों ने समझना वही जो आपको समझ आ रही है वाह वाह मजा आया और आपकी मीम बन जानी है Here comes the main course. My favorite sandwich है। हमारे भाई की तरफ से मंगाया तुम्हारे लिए मैंने। अरे यार चुप कर है तो चुप रहे। हमारे भाई मेरा favorite अजी है। हाँ। हमारे भाई की तरफ। हाँ। यार मैं मंगाया तुझे मजाक उड़ा। यार सैंडविच है तुम की मारखोर मंगा लिया। वो सैंडविच मंगाया था जब चुमला हम सटो चिकन बेच सटो बेच वेजिटेबल मैं क्या मारखोर मंगा लिया शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खाना शाना खा लिया यार साइड पे बैठो जरा साइड पे बैठो हैदर देख जरा ऐसे नहीं लग रहा शेर के बच्चे के साथ बिल्ली का बच्चा बैठाया हुआ पिद्दो कागज की गड्डी लग रही वो भी पिंक वो दे दो मुझे रैप्टर कुछ क्या कौन सा मी मैं ले लेता हूँ अच्छा हाँ साथ में कुछ दो दो जो दो रुपए लेने ले लो अच्छा हाँ और तुम क्या दोगे मुझे दिल लो यार चार आने लाने नहीं अच्छा मुझे पता क्या कह रहा है मुझे साइड पे हो मुझे कह रहा है ये ईट्रॉन ले ले GT ईट्रॉन मेरे से ले ले ठीक है और ये जो रैप्टर है ना 5911 ये मुझे दे दे ऐसे नहीं होगा साथ तुझे कम से कम 3 करोड़ रुपया साथ देना पड़ेगा भाई मैं रत्ता देख रहा दे भाई यार है तेरे हैदर हैदर की गड्डी हैदर ना डील कर ला दुनिया पागल है ईट्रॉन के पीछे पूरा पाकिस्तान पागल है भाई लोगों से पूछ लो पूरा पाकिस्तान पागल है इसके पीछे अच्छा कमेंट सेक्शन में बताओ इसके साथ एक्सचेंज कर ले ये कह रहा है कि GT ईट्रॉन पीछे हट गाड़ी तो देख लेते क्या यार मुझे भाग जाती है उसके आगे खड़ा मेरी मासूम लाडली है मेरी लाडली जेन्युइन बात है तूने जो कलर कराया ना है ये लाडली है हमारा ये कलर नहीं है हमारे चलाने वाला कलर ये नहीं है यस मेरे सारी गुड़ियां मेरे गाड़ियां उतार देंगे मेरे सारी गाड़ियां यार हमारा लेना देना नहीं है गाड़ियों के साथ भाई सिद्धू मूसे वाला दैट्स इट ये शी गाड़ी है ये शी गाड़ी है तेरी लेकिन ठीक है तुझे सूट करती है अच्छा अब नदीम नानी वाले की ऑफर है कि जी 5911 मुझे दे दो ठीक है 9811 जो है वो मुझे दे दो और ये GT ईट्रॉन तुम मुझसे ले लो गाड़ी है हैदर की हैदर फैसला करेगा और दूसरा फैसला करेंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं गाड़ी चेंज कर ली जाए या नहीं ठीक है भाई इसकी डील बाद में होगी पहले मेरी वो i8 मुझे वो तुमने कहां भेज दिया पता नहीं मेरी i8 कहां भेज दी i8 तुम्हारी भाई मैं तुम्हें करवा के दूंगा तुम गाड़ी देके आओ डैब पे कौन सा कलर करवाना बता के आओ तुम्हारा वो मेरी तरफ से गिफ्ट है वो तुम्हें डैब डैब वाला रैप करवा के देगा मेरी तरफ से गिफ्ट है मैंने भी तुम्हें गिफ्ट देना है हाय 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 मुझे तुम्हारा गिफ्ट नहीं चाहिए अच्छा अच्छी गाड़ी है कमेंट सेक्शन के अंदर देखेंगे क्या सार्थक होता है फिर डील बनाएंगे ठीक है फिलहाल मैं तुम्हें एक चीज बता दूं एक मिनट सफर कर ला मनु तो ब्लॉक कर लेंगे फिलहाल मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ कि ये गाड़ी लेडीज गाड़ी है ये मर्दों वाली गाड़ी जान साइड पे जो जरा साइड पे जो ये मर्दों वाली गाड़ी है हम लोग जरा ना कायल हैं ये वाली गाड़ियां चलाने के दुनिया तरसी इस गाड़ी बैठने के लिए ओए अल्लाह पाक किसी को ना तरसाए मुंडे साडा काम मुंडिया नाल है मम्मी डैडी लेडीज गाड़ी है साडा कोई लेना देना नहीं समझ रहे जिस तरह तू आ मम्मी डैडी है ना लेडीज शीशी टाइप यार शीशी टाइप शर्ट देख लो आजा
कमेंट सेक्शन में बताओ चेंज कर लें इसके साथ या नहीं। थैंक यू चाचू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके जी, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज के दिन के सारे काम डन हो गए। व्लॉग को फिलहाल करते हैं यहाँ पर एंड। उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा और कैसा नहीं लगा। और हाँ, ये कमेंट आपने लाजमी करना है कि नदीम की गाड़ी के साथ एक्सचेंज करें या रहने दें। तू बता भाई, तेरी गाड़ी है, देख लो अभी आवाम क्या कहती है, उनसे पूछो। हाँ, कमेंट सेक्शन में बताएं, फिर फैसला करेंगे। आगे दोस्तों को शेयर करें। होती मुलाकात कर लें इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।